हेलो एवरीवन, एक कहानी स्मरण में आती है, कई बार सुनी है मैंने ओशो जी के थ्रू, और वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक गांव में राजा और प्रजा का जो समय था, राजा बड़ा खुश था, प्रजा भी बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन एक मैजिशियन आ जाता है राजा के दरबार में, और वो कहता है कि आप मुझे दरबार में आपका पर्सनल मैजिशियन बनाइए। राजा कहता है कि मैं जादूगरों को तो नहीं रखता हूँ। तो जादूगर ने कहा, अगर आप मुझे नहीं रखोगे तो आपके ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा। राजा को गुस्सा तो आया, पर राजा ने कहा इसे दरबार से निकाल दो, तो वो चला जाता है। राजा के इस व्यवहार के कारण उसे मन में घृणा पैदा होती है, और वो आपसी दुश्मनी का बदला लेने के बारे में विचार करता है। तो वो जो मैजिशियन है, वो मैजिशियन गांव के कुएं में एक लिक्विड डाल देता है, जिससे गांव के सारे लोग उसी कुएं का पानी पीते हैं, तो सारे लोग पागल हो जाते हैं। अब गांव का कुआं एक अलग कुआं होता है, और राजा के दरबार में या राजा के, मैं कहूँगा महल में, एक अलग से राजा के और राजा के स्टाफ के लिए एक अलग कुआं होता है। तो गांव के लोग बाहर का पानी पी के, वो जादूगर का पानी पी के सारे लोग पागल हो जाते हैं, और वो सारे लोग इतने पागल हो जाते हैं वक्त के साथ, हफ्ते भर महीने भर में जितना दिन जाता है और पागल होते रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा राजा पागल हो चुका है। तो राजा पागल हो गया करके ये पब्लिक धीरे धीरे इतनी परेशान हो जाती है, कहती है कि ऐसा पागल राजा हमें नहीं चाहिए, हमें नया राजा चाहिए, इस राजा को निकालो, मारो। और लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, और वो दीवार पे चढ़ने लगते हैं, वो सैनिकों से झगड़ा करने लगते हैं। राजा अपने मंत्री को कहता है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। मंत्री सुझाव देता है कि दो ही है चीज़ जो कर सकते हैं, वो है एक तो अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से ये राज्य छोड़ के भाग जाए, या हम भी जाके उस कुएं का पानी पी लें। अब राजा कहता है अगर हम भाग भी चले गए तो कहाँ जाएंगे और कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे, चलो हम भी वो का पानी पी लेते हैं। तो राजा जाता है चुपके से और उस कुएं का बाहर गांव में जो है उसका पानी पी लेता है, और राजा भी उन्हीं लोगों के जैसा पागल हो जाता है। पर उस दिन राजा ठीक हुआ, इसका बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, राजा का बहुत बड़ा मान सम्मान किया जाता है, राजा भी खुश, पब्लिक भी खुश। तो असली में पागल कौन? जब सभी पागल हैं तो वास्तविकता पागलपन की कैसे समझेंगे? बड़ी प्यारी कहानी है। अगर राजा कहीं और निकल जाता अपने ये सब सोसाइटी कंपल्शंस को छोड़ के, तो कम से कम उसकी बुद्धि तो जगह पर रह पाती, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी बुद्धिमत्ता के
को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और पागल होना पसंद किया। ज़्यादातर हम सारे लोग जो है इस समाज के वजह से, सारे लोग ऑलमोस्ट इस पागलपन को, सोसाइटी के कंपल्शंस को, सोसाइटी के व्यवहार को करते रहते हैं। तो पागल कौन जानना बड़ा मुश्किल है। उनके जैसे हम नहीं चले तो आपको पागल किया जाएगा कि यार ये आदमी तो सुनता नहीं है, या ये व्यक्ति सुनता नहीं है, इसे समाज का कोई लेना देना नहीं है, इसे इज्जत की परवाह नहीं है, ये अनपढ़ गवार है, ये पागल हो चुका है। तो ऐसी है दुनिया है। तो पागल होने से बेहतर है ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो, ऐसे व्यक्तियों का उपेक्षा करो जो आपके जीवन में पागलपन लाते हैं। अगर वो बाहर वाले हैं तो उन्हें बाहर ही रहने दो। अगर वो घर वाले हैं, जैसे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, तो उनकी उपेक्षा करो, जस्ट इग्नोर देम, बट डोंट गेट कैरिड अवे विद द फ्लड ऑफ द नेगेटिवनेस, विद द फ्लड ऑफ द सोसाइटी कंपल्शन, विद द फ्लड ऑफ थॉट पैटर्न्स विच दिस सोसाइटी हैज बिल्ट। What is important is that you have a clear vision, you have a clear mind and a clear goal, and you are joyful and peaceful. That is all that matters. If you are joyful and peaceful, you are going to give joy to others. Then there is no need of any code of conduct to be taught. When you reach to that phase of life. So that's all, and I hope you like the story. And pagal kon janiye parkiye, and then accordingly take a step. Good day.